मोदी और बीजेपी और अडानी अंबानी के लोग जो हैं, ये कैसा किसान देखना चाहते हैं? इनकी नज़र का किसान हो, भूखा हो, नंगा हो, फटी धोती हो, फटा कपड़ा हो, फटा जूता हो, जिसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हो, क्या देश को पूरा बर्बाद किया जाए? मरता जवान, मरता किसान, मरती आम जनता है। इसका किसान को जो है गुलाम बनाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है, जिससे ये चाहते हैं किसान गरीब रहे। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों कानून रद्द होने चाहिए। इसके साथ में जो है MSP जो है लीगल का एक कानून बनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर 26 जनवरी की जोरों शोरों पर तैयारी हो रही है। इसी बीच हमारे साथ ओबीसी महासभा के महासचिव हैं, जो इस किसान आंदोलन को समर्थन देने हैं। आइए जानते हैं कि इनके मन में क्यों ये आया कि ये इस आंदोलन को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि बहुत देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, तो ये भी आए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओबीसी प्रभात सिंह है। मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। हमारा संगठन देश के 19 राज्यों में कार्यरत है, और ओबीसी महासभा, ओबीसी के समाज के लोग, पूरे देश के लोग जो है, किसान ऐसा है जो सभी से जुड़ा हुआ है। कोई ना देश का ऐसा कोई इंसान है जो किसान से जुड़ा हुआ नहीं है। जब इस देश में जो है एक व्यापारी एक प्रोडक्ट जो किसान से गेहूं का लेकर के एक प्रोडक्ट, जैसे एक एग्जांपल एक बिस्किट बनाता है, उसमें MRP फिक्स की जाती है, वो आपको 5 में ही मिलेगा। व्यापारी भी आपको 5 से कम आपको नहीं बेच सकता है। लेकिन एक किसान जो गेहूँ पैदा करता है, उसका दाम स्थिर नहीं रहता है। किसानों की क्या मांग है? किसानों का ये कहना है कि कम MSP, हमको कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आप फिक्स कर दो, जिससे हमको ये दिक्कत नहीं होगी, जिससे हमको उस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि किसानों को आप ये देखें, आप पहली बात ये देखिए, मोदी और बीजेपी और अडानी अंबानी के लोग जो हैं, ये कैसा किसान देखना चाहते हैं? इनकी नज़र का किसान हो, भूखा हो, नंगा हो, फटी धोती हो, फटा कपड़ा हो, फटा जूता हो, जिसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हों, ये इस तरह का किसान देखना चाहते हैं। दुनिया के आप किसी भी देश में जाएंगे, वहाँ किसान जो है, किसान अगर समृद्ध है तो पूरे फूड चेन की इकोनॉमी, सप्लाई चेन वो समृद्ध है। क्योंकि आप देखिए, खाली किसान अकेला नहीं होता है। किसान जो है, आप किसानों को आप देखें कि किसान सरकार को कैसे देता है। जैसे ट्रैक्टर आप खरीदते हैं, ट्रैक्टर में 28% के GST है, ठीक है, वही कार पे आपके 18% के GST है। और किसान का आप कहना चाहते हैं कि जो कृषि कानून 3 है वो पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये किसानों के लिए एक तरह से कैंसर, ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तीनों का किसानों को जो तीनों कानून, जिसमें अडानी अंबानी को अनियमित भंडारण की छूट दी गई है, उसको खत्म होना चाहिए। जो तीनों कानून बंद होना चाहिए, और किसानों को MSP जो है वो एक कानून, लीगलाइज कानून होना चाहिए। ये हमारी मांग है। कल 26 जनवरी है, इससे आज 25 जनवरी है, आज आप आए हैं, किसानों को आंदोलन को सपोर्ट किए हैं, समर्थन दिए हैं, तो कल भी रहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी पिछले हफ्ते मैं लखनऊ में था, लखनऊ से यहाँ आया, अभी परसों मैं इलाहाबाद में था, आज ही आप दिल्ली आया हूँ। दिल्ली में आकर के जो है कि हम जो हमारे महासभा के लोग, जो ओबीसी महासभा के लोग जो है, चारों बॉर्डर में हैं, तो उनसे मिलने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अपने लोग, किसान भाइयों को जो है अपना समर्थन देने के लिए आए हैं, कि वो अपने को अकेला ना समझे। हमारे संगठन के लोग जिला स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर जो है, ट्रैक्टर रैली के द्वारा किसानों को, उनके समर्थन में जो है रैलियाँ हम निकाल रहे हैं। हम तिरंगे झंडे लगा करके जो है उनका, किसानों का समर्थन करेंगे। कौन से राज्य से हैं? मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ, लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई JNU दिल्ली से हुई है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है, और मैं यही दिल्ली में ही जॉब करता हूँ। दिल्ली में जॉब करते हैं? तो आपने सुना, जैसा कि ओबीसी महासभा के महासचिव हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे समाज के लोग, अब ओबीसी समाज के लोग इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, और ये भी समर्थन कर रहे हैं कल 26 जनवरी पे जो ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, उसका भी ये समर्थन करेंगे, उसमें हिस्सा भी लेंगे। तो अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील किसानों के लिए? हमारी नरेंद्र मोदी जी से अपील ये है कि जो किसान सबसे गरीब है, उसके ऊपर आपने जितने सारे टैक्स लगाए हुए हैं, किसान फर्टिलाइजर खरीदता है, खाद खरीदता है, उसका दिन पर दिन दाम बढ़ता जा रहा है। पहले खाद की 50 किलो की बोरी होती थी, अब वो 45 किलो की बोरी हो गई है। प्लस उसका जो रेट कितना गुना बढ़, यूरिया का रेट बढ़ गया, DAP का रेट बढ़ गया है, और इसी के अलावा जो किसान जो है आपका जो दवा यूज करता है, दवा का रेट बढ़ता चला जा रहा है। मोदी जी ने किसान पे इंश्योरेंस थोपा, इंश्योरेंस का प्रीमियम किसानों से कटता है, लेकिन आज तक किसी किसान को इस इंश्योरेंस प्रीमियम का फायदा नहीं मिला है। यानी किसान को जो है पूरी सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें खाली एक किसान बस नहीं है। किसान जैसे कोई प्रोडक्ट लगाता है, जैसे धान या गेहूँ लगाता है, उसे मजदूर भी होते हैं। अगर किसान तबाह होगा तो खेतिहर मजदूर तबाह होगा। अगर मजदूर तबाह होगा, जिस तरह आप देखें कि पानी की बोतल, देखिए पानी फ्री में आता है, लेकिन 20 रुपये की मिनिमम बोतल मिलती है, ठीक है, लेकिन किसान का गेहूँ 15 से 17 रुपये किलो भी नहीं मिल पा रहा है। और जो चीज़ फ्री, अगर यही चीज़ उद्योगपतियों के पास अगर पहुँच जाएगी, तो लोगों को जो यही जियो जो है 17 रुपये किलो गेहूँ खरीद करके जो अपने जियो मार्ट में जो है 50 रुपये किलो बेचेगा, इसके बाद हो सकता है ये 5 साल का भंडारण करने, जो उनका मेगा मॉल बन रहे हैं,
सूबे का जो भंडारण स्टोरेज अदानी का जो बन रहा है, हो सकता है ये 5 साल का गेहूँ इकट्ठा करके जो जिस तरह जियो ने शोरूम फ्री दे करके बाकी और कंपनियों को बर्बाद कर दिया है। जियो जो है BSNL के टावर एंटीना BSNL के हैं, लेकिन टावर इसमें अपने लगा करके जियो सर्विस दे रहा है। तो ज़्यादातर ये इनका पूरा क्या, देश को पूरा बर्बाद किया जाए, मरता जवान, मरता किसान, मरती आम जनता। इसका सबसे बुरा प्रभाव मिडिल क्लास मध्यम वर्ग पे पड़ने वाला है। ये किसान कानून जो है लेबर लॉज की तरह है। अब जिस तरह इन्होंने लेबर लॉज का उठा के 12 घंटे कर दिया है, ठीक है, जब किसान जो है जब तीसरा बिल आ जाएगा तो कि ये किसानों के खेतों में कैमरे लगा देंगे, कैमरे लगाने के बाद किसान को 12 घंटा काम करना पड़ेगा, उत्पादन जो प्रोडक्ट आएगा उसका रेट किसान नहीं वो डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो है किसानों के पास हम लोगों का ऐसा अनुभव रहा है कि ग्वालियर के आसपास ये पेप्सी को कंपनी जो ले चिप्स बनाती है उसने किसानों से 20 रुपये का एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट में जब एक बार तो उन्होंने पैसे दिए, जब दूसरी बार एग्रीमेंट हुआ जब मंडी में अगर रेट अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो उसमें किसानों को बोलते हैं भाई आप इसमें शक्कर ज़्यादा निकले, ये निकल आया है, फिर वो उसको जो है खरीदते नहीं है। अच्छा, सेकंड इसमें क्लॉज क्या है कि किसान जो है पहली अपील जो SDM के पास करेगा। कितने लोग SDM के पास जा सकते हैं, जो किसान जो डरता है कि SDM पास कितने लोग की पहुंचने की क्षमता है। और सेकंड चीज़ इसमें यह है कि उसके बाद अगर मार्केट में रेट सस्ता हुआ 2 साल बाद, उसके बाद जो है कि कंपनी स्वतंत्र है किसानों से प्रोडक्ट खरीदने के लिए ना खरीदने के लिए, ठीक है, लेकिन किसान जो है किसी थर्ड पार्टी को अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। इसका मतलब किसान को जो है गुलाम बनाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है, जिससे ये चाहते हैं किसान गरीब रहे, बर्बाद हो, जिससे इनकी पूरी तरीके से इस कानून को रद्द होना चाहिए। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों कानून रद्द होने चाहिए। इसके साथ में ही जो है MSP जो है लीगल का एक कानून बनना चाहिए। देखा, ये थे हमारे साथ OBC महासभा के महासचिव, इनका साफ तौर पर कहना है जो 3 कृषि कानून है इसको पूरी तरीके से रद्द करना चाहिए क्योंकि किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक है। अपने सहयोगी सद्दाम के साथ मैं पारितोष मल चिल्ला बोल रहा हूं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।